जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुभाष शेखर। आपने जमीन के कई सारे विवाद देखे और सुने होंगे, लेकिन ऐसा पहली बार आप सुनेंगे और जानेंगे कि जमीन का विवाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि कानून का रखवाला है। जी हाँ, सही सुना, कानून का रखवाला है। इस जमीन पर जहाँ हम खड़े हैं, हम जहाँ इस वक्त खड़े हैं, ये रातू थाना का एक मौजे का एक प्लॉट है। इस पे एक पुलिस वाले ने कब्जा किया। कब्जा तब किया है जब यहाँ पर ऑलरेडी 145 धारा लगा हुआ है, यानी यहाँ पर किसी तरह का कामकाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन कानून की धाराओं को दरकिनार करते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चार दीवारी तैयार की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये तरोताज़ा है, अभी अभी ये किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से है। जो इस ज़मीन के जो ओरिजिन मालिक जो कह रहे खुद के, उनसे हम जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हमारे साथ है डीके सिंह, जो कि एक राजनीतिक नेता भी हैं और सामाजिक सेवा करते हैं। बताएंगे कि ये जो आपका प्लॉट है किस तरह का है और किस स्थिति में है अभी। एक्चुअली हमको एक रातनामा द्वारा प्राप्त हुआ था, आमिर खान के खतियान से ज़मीन है। चूँकि आमिर खान के यहाँ खतियान पर ऑलरेडी आमिर खान का घर का भी पता दिया हुआ है, उस घर में उसके वंशज लोग रहते हैं, उनसे हमें प्राप्त हुई थी एग्रीमेंट के द्वारा। और मैंने इस पर ऑलरेडी, आप दिखाएंगे, इस पर बाउंड्री किया हुआ था मेरा पोल कुत्ते के सहारे, 8 फीट की बाउंड्री। ये लोगों ने जेसीबी लगा के, कल मैंने फूट भी लिया है, कुछ लोग आस पास से फ़ोटो लेकर के भी मुझे दिए हैं, जेसीबी लगा करके इसको पूरे बाउंड्री को ध्वस्त करके और फिर से ये लोग काम शुरू कर रहे हैं। जिसमें एक दो आदमी जो है प्रशासन से, पूर्व में संजय सिंह हैं, रातू थाना में कार्यरत थे, उनको भी इस चीज़ की जानकारी है। जिस समय थाना में थे उन समय पेपर गया था उनके पास और उसी समय से केस चल रहा था। 144 चला, अभी 145 न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है। और सारा चीज़ जानते हुए उनका कहना है कि बढ़िया बढ़िया 144 से 145 में घर बन गया है, देखते हैं कौन क्या कर लेता है। यानी कि उनको 144 से 145 का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है 144 से, है ना। कौन बोल रहे हैं ये और किस हैसियत से? संजय सिंह है, रातू थाना में पहले SI थे, अभी किस थाना में हमको जानकारी नहीं है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, क्योंकि हम पहले भी इनसे जब रातू थाना में थे तो इस पेपर को लेकर के उनके पास हम गए हुए थे और उसी समय से इस पर केस चल रहा है। अभी तक हम इंतजार में है न्यायालय से कि न्यायालय कब हमको फैसला देता है। हम कुछ कार्य नहीं कर रहे थे, बाउंड्री मेरा करा हुआ था उसे करके छोड़े हुए थे। अब ये लोग कल शाम को जब हमको पता चला कि लोग JCB लगा करके, आप देख सकते हैं JCB का फ़ोटो भी है मेरे पास, संजय सिंह ऑलरेडी यहाँ खड़ा हुए हैं सिविल में, है ना। और इसको तोड़ करके आज भी हम लोग थाना में दे करके सूचना दिए हैं। थाना वाला जब इनको ऑलरेडी बोला कि आप प्रशासन से काम बंद कीजिए और जल्दी आइए थाने पे, आज अभी तक 6 बजने जा रहा है, हम थाना पे बैठे थे, अभी तुरंत आए हैं, ये थाना नहीं पहुँचे हैं। और काम को शाम होने के बाद बंद करके, यहाँ से देखिए भी ताज़ा काम किया हुआ, बंद करके। यानी रातू थाना आप गए थे, वहाँ से रातू थाना से उनको कॉल किया गया, 145 लगा करके मैं लिखित सूचना उनको दिया हूँ थाने वाले को। ये लोग थाने वाले को भ्रमित करके रखे कि आ रहे हैं, उस बीच पूरा ये लोग काम किए हैं। थानेदार से आपकी बात हुई? थानेदार से मेरी बात हुई, थानेदार अपने नंबर से इनको कॉल किए थे। हाँ। अब फिर हम वहाँ से बोले हमको कि ठीक है, आज नहीं आए तो कल हम लोग जहाँ चलेंगे वहाँ साइड पर विजिट करेंगे। तो विजिट किया अभी तक? नहीं, कल के बारे में बोले विजिट करें, कल विजिट करने के लिए जा रहे थे कि एक बार रिसीविंग मिल जाए, जो हम लोग उसको प्रतिलिपि दिए हुए हैं। प्रभारी जी बोले कि देख लेते हैं, वो लोग जब तक आता है और नहीं आएगा तो फिर हम चल करके यहाँ पे विजिट करेंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, जो आपकी ज़मीन है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इस पे किस तरह के लोगों का दबदबा है और किस तरह का धौंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कई बार ऐसा मामला हो चुका है, थाना में जा कर के रोका जाता है काम को, जो प्रभारी जिस SI को देते हैं इसको रुकवाने के लिए, वैसा ही ये लोग से पुराने लोग से मिल करके कुछ पैसा लेकर के फिर काम चालू करवा देते हैं। 2 दिन रुकता है फिर काम चालू हो जाता है। इसका सूचना मैंने SDO के यहाँ भी दिया था, तो SDO के यहाँ से भी बोला गया कि ठीक है, मेरा जो कानूनी कार्रवाई उसमें हम लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं। लोग जो हैं कानून की इज्जत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन कानून के रखवाले को कानून का किसी तरह का डर नहीं है और खुलेआम चुनौती देते हैं कि अभी तक इस तरह के कई कारनामे कर चुके हैं, इसमें भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इन्होंने हालांकि स्थानीय थाना में भी इसकी सूचना दी है। आगे इस प्लॉट को लेकर जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे और आप इस चैनल से, हमारे चैनल से जो
जुड़े रहिए, देखते रहिए लोकल खबर।